हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक क्लास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कोई आपके बैंक से पैसे निकाल ले और आपको इसकी भनक भी ना लगे? अब सवाल ये है कि जब आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपके अकाउंट में सेंध मारी कौन कर रहा है? बैंकिंग धोखाधड़ी के ऐसे मामले आजकल आम हो गए हैं। अगर किसी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म या मर्चेंट का डेटा हैक हो जाता है तो आपकी डिटेल भी लीक हो सकती है। नतीजा, हैकर्स आपकी गाड़ी कमाई पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हो रहे इस फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने अब टोकनाइजेशन पॉलिसी लागू की है। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? टोकन एक कोड नंबर होता है या आपके कार्ड की डिटेल्स को एक यूनिक कोड में बदलता है। इस प्रोसेस को ही टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकन जनरेट होने के बाद आपको अपनी डिटेल किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर शेयर नहीं करनी होगी और ना ही ये ऐप आपकी किसी भी डिटेल्स को सेव कर पाएंगे। मसलन अगर आप किसी भी फूड एग्रीगेटर से ही खाना मंगवाते हैं तो आपकी कार की डिटेल्स वहां सेव है तो उसे आप रिमूव करके आप टोकन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक टोकनाइजेशन के लागू होने से ग्राहकों को पेमेंट करने के तरीके में एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होंगे। क्यों सुरक्षित होंगे? क्योंकि ग्राहकों की डिटेल्स जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीसी नंबर, एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी डिटेल्स सेव नहीं होंगी। पेमेंट करने के लिए ग्राहक टोकन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो टोकन के जरिए पेमेंट होगा। आपको कैसे मिलेगा टोकन? जिस मर्चेंट से आप खरीदारी कर रहे हैं, पेमेंट के लिए जो भी कार्ड आपको चुनना है उसे सेलेक्ट करें, अपने कार्ड्स और मांगी गई जरूरी डिटेल्स को भरें। वेबसाइट पर सिक्योर योर कार्ड एस पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑप्शन पर टैग करें और आरबीआई के दिशा निर्देशों को फॉलो करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करें और कार्ड डिटेल्स टोकन के लिए भेजा जाएगा। अगली बार जब आप उसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर मर्चेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो स्टोर किए कार्ड के अंतिम चार डिजिट ही आपको दिखाई देंगे जो आपका टोकन नंबर होगा। क्या एक ही टोकन सब जगह चलेगा? नहीं, पेमेंट करने के लिए आपको हर मर्चेंट के लिए अलग अलग टोकन जनरेट करना होगा। जितने मर्चेंट का इस्तेमाल आप पेमेंट के लिए करेंगे उतने ही टोकन आपको जनरेट करने होंगे। कार्ड का असली डेटा, टोकन और दूसरी डिटेल्स बैंक या कार्ड नेटवर्क के पास इनक्रिप्टेड मोड में सुरक्षित रखे जाएंगे। शॉपिंग के वेब पेज पर सिर्फ आपको कार्ड के अंतिम चार अंक दिखाई देंगे। इस सेवा का फायदा उठाने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि हर शॉपिंग वेबसाइट पर कार्ड अलग अलग सिक्योर होगा, इसलिए बैंक आपको इसे मैनेज करने के लिए पोर्टल भी देगा। आम दुकानों में POS मशीनों के जरिए ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड का टोकनाइजेशन नहीं होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन लेन देन करने के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए आरबीआई की टोकनाइजेशन की पॉलिसी को जल्द अपनाएं और सेफ, सुरक्षित ट्रांजैक्शन पाएं।